आज हम चलने वाले हैं एक ऐसी खोज पे जो कि बड़ी ही एडवेंचरस है। देखते हैं ये खोज हमें कहाँ तक ले जाती है। चलते हैं जिम कॉर्बेट के इस खतरनाक जंगल में। शेर को स्पॉट किया है, वो शिकार करने के लिए निकला था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम यहाँ पर अच्छे हैं, अच्छे हैं मतलब थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब है, पर इतना तो चलता है। अभी मैं खड़ी हूँ जिम कॉर्बेट के पार्क में। यहाँ पर सफारी के लिए आए थे हम, 6:30 आ गए थे और अभी हमने कुछ एनिमल्स स्पॉट किए हैं, थोड़े बहुत ही है। जो भी है ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एडवेंचरस रास्ता भी है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हम एक फैमिली ट्रिप पे निकले हैं और किसी वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो ये उस वीडियो का आगे का पार्ट है जहाँ पर हम लोग मसूरी, हरिद्वार, नैनीताल और जिम कॉर्बेट घूमने गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अभी रुके हैं हम सिद्धू कैफे, सिद्धू द कॉर्बेट रेस्टोरेंट में। और जैसा मैं बोलती हूँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है, नाश्ता नहीं करा है। चलिए, तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है और एज यूजुअल खाने के चक्कर में मैं खाने की शॉर्ट्स ही लेना भूल गई, क्योंकि इतनी तेज भूख लग रही थी सबको। और ये दोनों देखिए, खाने के बाद रिलैक्स। फ्रेंड्स कुछ भी कह लो, फैमिली ट्रिप पे जाने का मज़ा अपना एक अलग ही होता है। एक साथ एक गाड़ी में बैठ के नाचना, गाना, मस्ती करना, और ये पल जो होते हैं बहुत ही मेमोरेबल होते हैं। ऐसे ही नाचते हंसते खेलते हम लोग पहुंच गए थे जिम कॉर्बेट में, और वहां हम रुके थे एक रिजॉर्ट में जिसका रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, उसके कुछ क्लिप्स मैं यहाँ डाल देती हूँ आपके लिए। तो जैसा मैंने आपको बोला कि हम पहुँच गए अपने रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का नाम है कॉर्बेट व्यू। आपको पूरा टूर भी करवाती हूँ। अभी पहले चलते हैं हम, चेक इन करते हैं और फिर देखते हैं कैसा है ये। किधर? ओके, ये देखिए, ये जो सारे हैं ये पूरे गार्डन व्यू है। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है फ्रेंड्स, इतना तेज़ सन लग रहा है, आई है प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा है स्किन को। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? सनस्क्रीन तो भर भर के ले आते हैं लेकिन जब लगाना होता है तब लगाते नहीं है। अभी इतनी तेज़ धूप है। ये रहे फाइनली फ्रेंड्स, ये रहे हमारे आज का होम स्टे। अच्छे, ये देखिए पूरा ऐसे जंगलों के बीच में है। ये एक प्यारा सा स्विमिंग पूल है जिसमें हम जाने वाले हैं। अम्मू ये तो मैच हो रहा है पूरे आपसे। तो गाइस इस टाइम तक शाम हो गई है और सब लोग स्विमिंग पूल में उतर गए थे। फ्रेंड्स ये रिज़ॉर्ट हमारे जोन के बिल्कुल पास में था, ज़्यादा दूर नहीं था, और बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट है, वेल मेंटेन्ड है। आते से ही उन्होंने वेलकम ड्रिंक सर्व की। अगर आपको इसका पूरा रिव्यू देखना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो जिम कॉर्बेट की सफारी का टाइम हमारा अर्ली मॉर्निंग का था, तो सुबह सब लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के तैयार हो गए थे और रेडी हो गए थे एक एडवेंचरस जर्नी पे जाने के लिए। चलो रेडी गाइस, ये हमारी सफारी भी रेडी हो गई है। हाय, जंगल की सफारी के लिए।
कुछ थोड़ी देर में ही पहुंच गए थे हम अपने सफारी के एंट्री पॉइंट पे, जहाँ पर उन लोगों ने हमारे टिकट चेक किए थे। हमारा जो गेट था वो ढेला जोन में आता था और सब लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी ये सोच के कि आज हमको इस सफारी में क्या लायन सच में देखने मिलेगा या कोई से और एनिमल देखने मिलेंगे। मौसम बहुत ही प्लीजेंट है और एक्साइटमेंट सबकी बहुत हाई है। इसी बीच हमें देखने मिलता है सबसे पहले एक हिरण का झुंड जो कि रोड क्रॉस कर रहे थे। थोड़े आगे बढ़ते ही स्पॉट हुआ ये प्यारा सा पिकॉक और जैसे भैया ने बताया यहाँ 250 से ज़्यादा टाइगर है। हम अब उस जगह पे हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी नदी होती है लेकिन आज यहाँ पानी नहीं है और यहीं पर सारे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। एकदम ऊपर बैठा है और इसके बाद हमें कुछ ऐसा दिखा जिससे हमारे दिल की धड़कने और एक्साइटमेंट और तेज हो गई। देखो बंदे तुम जो दिख रहे हैं अभी गया है क्या थोड़ी देर पहले? छोटे छोटे भी और बड़े भी हैं। हमने स्पॉट किए टाइगर के पैर पंजों के निशान जो कि बिल्कुल फ्रेश बने हुए थे। जैसे हमारे भैया ने बताया कि कुछ टाइम पहले ही वो यहाँ से निकला होगा तो उसी की तलाश में हम पंजों के निशान से चलते चलते आगे बढ़ रहे थे ताकि हम उसको स्पॉट कर पाए। यहाँ के हिरण काफ़ी फ्रेंडली है, इंसानों से उतना नहीं डरते, लेकिन आशंका ये भी बताई जा रही थी कि अगर हिरण यहाँ पर है तो आसपास टाइगर भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ चलो एकदम ऊपर बैठा है चलो। यहाँ तक हमें एक घंटा हो चुका था। कुछ एनिमल स्पॉट हुए थे लेकिन जो निशान हमने देखे थे हम उसके पीछे अभी भी भाग रहे थे और इसके बीच में हमें दिखता है बहुत दूर से हाथियों का एक झुंड, एक फैमिली, लेकिन वो भी बहुत दूर थी। हम सिर्फ दूर से ही स्पॉट कर पाए उनको, लेकिन इन सबको ऐसे खुले में देख के बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है। ले चलो अपने साथ। हमको तो हाथी दिखा। तो फ्रेंड्स अभी हम एक स्पॉट पे आए हैं, यहाँ पर रेस्ट करने का है, चाय वाय मिलती है, रेस्ट रूम है, वहाँ पर आके खड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है हमको, थोड़े बहुत एनिमल स्पॉट हुए हैं, ज़रूर देखना, मज़ा आएगा आपको देखने में। और यहाँ पर सब अभी फोटो में व्यस्त है। सब यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं, सब बिजी खाने पीने में। और ये हमारी कीवी सोतली। थोड़े रिफ्रेशमेंट के बाद फिर से एक बार हमारी सवारी निकली थी अपने उसी टाइगर को स्पॉट करने के लिए। ये नेशनल पार्क बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसके अलग अलग गेट है जोन में जाने के लिए। कम से कम 2 से 3 घंटे का आपको सफारी में टाइमिंग मिलता है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी मरती उम्मीदों को फिर से जगा दिया। हमने अभी अभी एक शेर को स्पॉट किया है, वो शिकार करने के लिए निकला था तो यहाँ पे सब चुपचाप बैठे हुए हैं। बहुत ही खतरनाक डर का माहौल है, देखिए आप सब लोग रो रहे हैं। शिकार के लिए निकला है, बहुत डेंजरस है। तो हुआ यूं कि लौटते टाइम हमारे गाइड भैया ने कुछ आवाज़ सुनी जो कि मंकी हिरण को दे रहे थे अलार्म कि आसपास कोई टाइगर या लायन हो सकता है। हम भी उसी की तलाश में थे लेकिन ऐसा हमें कुछ देखने नहीं मिला।
तो इसी के साथ हमारा सफारी का टाइमिंग भी ख़त्म हो चला था। हमें टाइगर तो देखने नहीं मिला, लेकिन बहुत ही एडवेंचरस जर्नी थी। और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे थे कि एक दिन ऐसे जंगल में हम इन एनिमल्स को आराम से घूमते हुए देख पाएंगे। आगे आने वाले व्लॉग्स और भी अच्छे होने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको दिखाएंगे नैनीताल की खूबसूरत वादियाँ। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।